हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन। कॉन्जुगेट एलिमेंट इन अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी एक ग्रुप है, ए और बी एक एलिमेंट ले लिए, फिक्स एलिमेंट ले लिए ग्रुप के, और एक्स एक पॉइंट ले लिया जी का। तो यदि हमें कब हम कहेंगे बी इज सेट टू द कॉन्जुगेट ऑफ ए, यदि ये इस इक्वेशन सेटिस्फाई करता बी इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, ये हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की इक्वेशन भी होती है। तो यदि हमारा बी और ए इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा हम कहेंगे बी इज सेट टू द कॉन्जुगेट ऑफ ए। अब कॉन्जुगेट क्लास पर आ जाते हैं, द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन हम जानते हैं, जो सिमेट्री हमारी इक्विवेलेंस हमारा मतलब क्या है, जो तीन प्रॉपर्टी होती हैं इक्विवेलेंस में, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, और हमारा एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसिविटी। ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं। सिमेट्री में क्या होता है हमारा कि ए बिलोंग टू ए बी, ए बी को बिलोंग कर रहा है तो बी ए को कर जाएगा, दोनों तरफ से हम दोनों ए कोमा बी और बी कोमा ए को ले लेंगे, वो इक्वल दिखा देंगे। और हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि हम एक दो पॉइंट के दो जहे जी जी दो ग्रुप हैं उन दोनों पर मैपिंग दिखा देंगे, वो इक्वल आ जाएगी। तीसरी हमारी जैसे ट्रांसिविटी होती है, ए बी सी तीन पॉइंट हो जाएंगे, ए बी को बी सी पर मैप हो रहा है तो ए सी पर भी मैप हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सिचुएशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो वहीं से लिया गया है ये टर्म, द इक्विवेलेंस क्लास अंडर द कॉन्जुकेट रिलेशन आर कोड द कॉन्जुकेट क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास है यानी कि जो हमारी इक्वेशन है ये कॉन्जुकेट एलिमेंट की, यदि वो इक्विवेलेंस की तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तो जो हमारी वो क्लास होगी, जो कॉन्जुकेट होगा वो कॉन्जुकेट क्लास कहलाएगी। उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सी ए से। सी ए इक्वल टू होगा वही एक्स ए एक्स इनवर्स, जहाँ पे ए फिक्स पॉइंट हो गया, हमारा एक्स ग्रुप का एलिमेंट हो गया। अब सेल्फ कॉन्जुकेट क्या होगा, लेट बी जी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज सेल्फ सेट द सेल्फ कॉन्जुकेट एलिमेंट जी इफ ए इज कॉन्जुकेट टू इट्सेल्फ। जैसे हमारा ए कोई एलिमेंट ले लिया हमने, जैसे आइडेंटिटी वो सेल्फ का कॉन्जुकेट होता है, तो उस एलिमेंट को हम सेल्फ कॉन्जुकेट कहेंगे, ऐसे एलिमेंट जो खुद के भी कॉन्जुकेट हों। तो ऐसे जितने भी ए की पावर एम इक्वल टू ई में प्राइम नंबर वाले एलिमेंट होते हैं वो खुद के कॉन्जुकेट होते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एवरी ग्रुप इस कॉन्जुकेट टू इट्सेल्फ, कि हमारे जितने भी ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूरी नहीं हमारे जीरो और वन ही हो, तो जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं उनके आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो सेल्फ कॉन्जुकेट बनाते हैं। तो कॉन्जुकेट क्लास ऑफ ई इक्वल टू ई, ये दिखा दिए कॉन्जुकेट क्लास जो है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्जुकेट बना रहा है आइडेंटिटी। एवरी एलिमेंट ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज सेल्फ कॉन्जुकेट एलिमेंट, यदि कोई ग्रुप एक ग्रुप दिया हुआ है हमें, वो एबिलियन ग्रुप बना रहा है यानी कि ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कॉम्यूटेटिव को भी, तो उसके जो सारे एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट वो सेल्फ कॉन्जुकेट होंगे। यहाँ पे दें, अब ये हमें, अब जैसे सेंटर जेड जी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुकेट एलिमेंट। हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप होता क्या है, बेसिकली जो यदि कोई भी एक एलिमेंट ले लें वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है किसी के साथ, ग्रुप के साथ, तो उन एलिमेंट का जो सेट होता है वो हमारा ये होता है सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो इसी में यही है कलेक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्जुकेट, जो हमारे सेल्फ कॉन्जुकेट है ना, जितने भी एलिमेंट जो जैसे एबिलियन ग्रुप में हर एक होता है, तो उन जो एलिमेंट का जो सेट बन कर आएगा उसे ही हम कहेंगे सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो इसे यहाँ पे यही बताया गया है। इफ जी बी द ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, ए बी दो पॉइंट हैं जो जी के एलिमेंट है, इफ ए इज कॉन्जुकेट टू बी, यदि ए कॉन्जुकेट है बी यानी कि बी इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स है, देन
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा। यदि बी और ए एक दूसरे के कॉन्जुकेट हैं तो इन दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे। पर यदि हमारे किसी का ऑर्डर इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा उसका वो एक दूसरे के सेल्फ कॉन्जुकेट होंगे। ये कन्वर्सली नॉट ट्रू, यही दिया हुआ है हमें। तो ये वीडियो थी हमारी कॉन्जुकेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन पर। क्लास इक्वेशन हमारी यहाँ पे गिविन है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, यानी कि नॉर्मलाइजर इक्वल टू क्लास क्लास ऑफ ए के इक्वल होता है। तो यही हमारी क्लास इक्वेशन होती है। तो इसके बेस हमारी ये वीडियो थी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।